हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स में आई हुई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है और जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के लिए चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो वैकेंसी आई है वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए आई है, जिसमें इंडिया के सिटीजन और नेपाल के सिटीजन भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट की बात कर रहे हैं तो एयरमैन ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की पोस्ट है इसमें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जिसकी जो सैलरी की बात की जाए 33,000 से लेके जो एक्स ग्रुप की है वो 33,000 है और जो वाई ग्रुप है उनकी 26,900 पर मंथ सैलरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है दो ग्रुप है, जैसे एक टेक्निकल है एक नॉन टेक्निकल ग्रुप है। जो टेक्निकल ग्रुप है उसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट भी फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा उनका 3 साल का होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, 50% होना चाहिए उनके डिप्लोमा में और कोई भी ट्रेड उनके लिए एलिजिबल है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये तीनों जो ट्रेड है इसके लिए एलिजिबल है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। और अगर जो डिप्लोमा नहीं किए हैं तो 12th के कैंडिडेट हैं जिनके जिन्होंने PCM ले रखा है अपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और उनके जो 12th में 50% होने चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। देन सेकंड चीज़ जो है, इसका एज मैटर काफ़ी करता है कि कौन से एज के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ ये मेंशन है कि ये जो है 13 जनवरी 1998 से लेके 2 जनवरी 2002 के बीच में जो जिनका बर्थडे स्टार्ट होता है वो कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, तो इसमें क्या जो मैक्सिमम एज है वो 21 है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जॉब लोकेशन जो है आपका न्यू दिल्ली है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका एक एडमिलिटी टेस्ट यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मैं अब हम एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जामिनेशन है। तो देखिए, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें जो एक्स ग्रुप के और वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं इसमें मेंशन है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके सही से आप सिलेबस देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो देखिए, जो ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए भरेंगे उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 60 मिनट का होगा, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th+2 लेवल यानी 12th क्लास के CBSE का सिलेबस होगा इनके लिए। तो ये 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 3 इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स 12th क्लास के बेसिस पे एक्स ग्रुप का ये टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। देन वाई ग्रुप की बात करें और इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि जो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन हैं जिन्होंने ITI कर रखा है वो जो है इसको छोड़ के जो वाई ग्रुप भरेंगे तो उनका जो पेपर होगा 45 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश आएगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के आएगा। और जो कैंडिडेट दोनों के लिए भर रहे हैं बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई ट्रेड के लिए, तो उनका जो पेपर होगा वो 85 मिनट्स का होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगा। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ है वो उसका जो सिलेबस रहेगा वो 12th क्लास के बेसिस पे रहेगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे या फिर यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ नहीं आया है। तो उसके लिए देखिए, आप ग्रुप एक्स के लिए अगर भर रहे हैं जिसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड को छोड़ के बाकी सब लोग इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास चाहिए, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए और इंग्लिश में स्पेशल दे रखा है 50%। या फिर आपका जो है आपने ये कर रखा है, साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका जो है 50% आना चाहिए और रेगुलर बेसिस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। देन ग्रुप वाई की बात किया जाए तो ग्रुप वाई में देखिए कौन कौन आएंगे। इसमें ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन नहीं आएंगे, जिसमें ट्रेड चाहिए, जिसमें 12th क्लास चाहिए और साथ ही साथ इनके लिए इसमें जो है 50% चाहिए आपका एग्रीगेट यानी कि पूरा और 50% चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके भी इस चीज़ को सही से देख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप कौन से फील्ड के लिए भर सकते हैं। इस तरह ग्रुप वाई जो है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो है उसमें 12th क्लास चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखेंगे या फिर यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लीजिए ताकि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सही से मालूम चल जाए और आप फॉर्म जो है सही से फिलअप कर सकें। एज तो मैंने आपको बता ही दी, जो मैक्सिमम एज है इसकी 21 साल है और एज
मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम जान लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आर्मी या एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट में। तो जो हाइट है आपकी 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो है आपका एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर, और वेट जो है अकॉर्डिंग टू योर हाइट होना चाहिए। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और बॉडी में कोई भी टैटू वगैरह ये नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को जो है स्ट्रिक्टली मना है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे यहाँ से वीडियो पॉज करके मेडिकल के लिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। तो आप जो है, मैं ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो पूरी पीडीएफ फाइल है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लिंक को क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड करके सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में एकदम डिटेल इसका जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है आप जान सकते हैं। इसको इसका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो 250 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, जो आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आप अगर ऑनलाइन नहीं चाहते, चालान के थ्रू भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं अभी आपको और बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की, वो है 12 जनवरी 2018, ठीक है। और जो स्टार्टिंग है, ये जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा इस फॉर्म का, वो 15 दिसंबर 2017 से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।